प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग के विद्यार्थियों ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन सप्ताह का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति एसपी बंसल रहे। डीन एकेडमिक प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया। मुख्य अतिथि ने सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग के विद्यार्थियों ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन सप्ताह का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति एसपी बंसल रहे। डीन अकादमी प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया। मुख्य अतिथि ने सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूकता रैली निकाली, जो कि तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर से होते हुए बोटा चौक से हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक तक निकाले गए। उसके बाद गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया और समस्त लोगों को जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश गौतम, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर। आज से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग आज से एक पर्यटन सप्ताह के रूप में मना रहा है, जिसमें कि समाज के बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषयों को उठाया जा रहा है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के छात्र यहाँ पर रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा को लेकर के नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ में बहुत सारी गतिविधियाँ जो साप्ताहिक रहने वाली है, इसका आयोजन आज से 21 तारीख से आज हुआ है। इसका शुभारंभ माननीय कुलपति प्रोफेसर एस सी बंसल जी ने आज यहाँ से किया है। इसमें आने वाले 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये पूरे सप्ताह में पर्यटन सप्ताह मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के छात्र आज से, जैसे आप देख रहे हैं कि सड़क सुरक्षा पर यहाँ पर नाटक, नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कल आने वाली एक यात्रा हमारी जो है वो हेरिटेज यात्रा पर विश्वविद्यालय के छात्र निकलेंगे। उसके बाद टूरिज्म एंड जॉब ऐसे विषयों को लेकर के भी हमारे जो विद्यार्थी है यहाँ पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन करने वाले हैं। आने वाले 24 तारीख को विश्वविद्यालय के छात्र समाज के अंदर रक्तदान के विषय पर समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाएंगे। इसी कड़ी में 25 तारीख को हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग उनके हमने यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन हमने आयोजन कर रहे हैं और 26 तारीख को इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन, जिसमें कि कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर ऐसे तीन जिले सम्मिलित होंगे, जिसमें कि जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही इसका जो समापन है सप्ताह का, वो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि 27 सितंबर को, हम जानते हैं कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। तो इसी कड़ी में जो मेन फंक्शन है टूरिज्म फेस्ट 2019 जो है वो बसी पैलेस हमीरपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे अधिकारी और मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, जिसमें कि हमारे जो छात्र हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और साथ में बहुत सारे रंगारंगम और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होंगे और विद्यार्थियों को टूरिज्म और टूरिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसायों से अवगत कराया जाएगा, ताकि आने वाले समय में समाज के अंदर पर्यटन विषय को एक नाम और इसका अधिक बढ़े और साथ में बहुत सारे जो अभी बेरोजगार हैं उन्हें भी ये जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं कि किस तरह से वो पर्यटन के माध्यम से अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो यही हमारा अभी 7 दिन का कार्यक्रम है, जिसका आज पहला दिन है, जिसका हम इस शहर में जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और एक नुक्कड़ नाटक हमने यहाँ पर आज किया है। इसी के साथ ही अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि माननीय कुलपति जो है प्रोफेसर एस पी बंसल जी इसे मुख्य अतिथि रहे हैं और उन्होंने अपने आशीर्वचनों से और इस यात्रा को और इस अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखा करके इनका शुभारंभ किया है। यह हमारा कार्यक्रम था जो कि 7 दिन तक चलेगा, 21 से 27 सितंबर तक।